कहां निर्मित करूं, किस जगह पर बनाऊं। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको भी समझ लेना। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो। क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया, जहां कोई गंदगी ना। शिव महापुराण की कथा देखो, पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मिट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मिट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सिंचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सिंचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, दो दिन पहले लाए हो, चार दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए। यानी कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सिंचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा सिंचन भले ज्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो। जिस दिन फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सिंचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो, उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है, किस जल से गलाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंडे के पास पितरों का निवास होता है, अन्नपूर्णा पितर सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मिट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर गोबर को या पानी में उसको गीला कर एक कपड़े को गीला कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोछा जाता था, मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोछते। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा, महाराज लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना है, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूर। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं, जल का छींटा अवश्य। फिर उसको रख दें, 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है।
अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक, शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में, सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र, शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए, स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता, स्वयं विदेश, आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाव, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करो उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करो, फिर जला शिवलिंग, जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा, भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है, ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान, शंकर जी के ऊपर जो तिकोणी रखी रहती है उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है ये शंकर भगवान की पांच पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटी, कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की पांच बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी, अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है, शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की पांच पुत्रियों का नाम लीजिए, जया हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो, विषहरा आचमन कर लो, श्यामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो पांच पुत्रियां हैं, ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती, हमारे नैनों पर विराजमान रहती है। हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो,
लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है मालन। उसका इतना अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होता है। भाई इतना इतना प्रमाण है महाराज, भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, 1/2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण, सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिस लिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना। देखो, आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें दिख रहा शिव को अपना बनाने के। और एक बात और याद रखना, पार्थिव शिवलिंग में शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। जब जिस वर्ण के हो उस हिसाब से शिवलिंग बनाओगे तो शंकर जल्दी कृपा करेगा, जल्दी। जमाई को जो चीज ज्यादा प्रिय है वो चीज खिलाओगे तो जमाई को भी प्रियता